जितनी मदद हम कर सकते हम कर रहे हैं। थोड़ी सी कमी की सरकार की तो है, कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। असम में, गुजरात में, राजस्थान में बाढ़ आई है, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। हमारे नेता यहाँ हैं, सचिन जी हैं, अशोक जी आए हैं, हमारे बिश्नोई जी जो एम एल ए हैं, तो हम लगे हुए हैं मदद कर रहे हैं। जितनी मदद हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। थोड़ी सी कमी की सरकार की तो है, जहाँ भी हम जा रहे हैं हम पूछ रहे हैं कि कॉम्पनसेशन आया है, मदद की है, पानी हटाने का काम शुरू हुआ है, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, तो चीफ मिनिस्टर को वो काम शुरू करना चाहिए जल्दी से। यहाँ पे पता नहीं गवर्नमेंट क्लेम कर रही है या नहीं, मगर यहाँ आपके सामने पानी है, कुछ रिहैबिलिटेशन काम नहीं हो रहा है, तो क्लेम तो करना आसान होता है, काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, काम करना शुरू करें। वो भी अपनी फॉर्मेलिटी करने के लिए आए हैं, अच्छी बात है, हर राजनेता को हर पार्टी को जाना चाहिए, जनता की तकलीफ में मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। पर मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में जो प्रयोग हमने किया एयर लिफ्टिंग, मैं सोचता हूँ कि अब तक किसी भी स्टेट में एयर लिफ्टिंग से किसी भी आदमी को नहीं बचाया। हम लगातार 2 साल से साथ साथ हेलीकॉप्टर को पहले से ही रेडी रखते हैं और जहाँ से भी सूचना आती है हम तुरंत वहाँ पहुँच करके बताएं। एक भी आदमी राजस्थान का बाढ़ में गिर जाने से मरा हो तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमने 1200 लोगों रेस्क्यू टीम लगा लगा करके हमने जो है आर्मी लगाई है, और ये पहली बार राजस्थान में हुआ कि जो घर पानी के अंदर आ गए और जो 48 घंटे तक पानी में रहे हैं उनको पहली बार हिंदुस्तान में हम लोगों ने 3800 रुपया प्रति परिवार के हिसाब से देने के लिए कलेक्टर के खाते में 10 लाख रुपए डाल दिया। कमी निकालना बोलना ये तो सबका धर्म है, अपना अपना वो निभाए मैंने। देश में और प्रदेश में जब आपदा आती है तो हमेशा कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी रही है, चाहे हम सत्ता में हों चाहे विपक्ष में हों। राजस्थान में 4 जिलों में भयंकर बाढ़ आई थी, बाढ़ पीड़ितों से, विस्थापित लोगों से, गांव के वो लोग जिनके घर बह गए, जिनके जानवर मवेशी मर गए, खेत तबाह हो गए, उन लोगों तक अब तक सरकार की कोई औपचारिक राहत पहुंची नहीं थी। कुछ दानदाताओं ने, कुछ एनजीओज ने मदद करी थी, लेकिन राहुल जी ने यहाँ पे आके संदेश दिया है कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस मुश्किल की घड़ी में उन जनता के साथ खड़ा हुआ है। रातल पर, जमीन पर लोगों तक पहुंचना, उनके आंसू पहुंचना, उनका दुख बांटना, उन तक मदद पहुंचाना, उस काम को हम लोग कर रहे हैं। और विपक्ष में रहते हुए भी जितनी हमें क्षमता हमारे अंदर है हम उतना लोगों का मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तो सब प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता आपदा वाल अपना जो इसकी जो सामग्री है, हेलीकॉप्टर, फ्लाइट जो बढ़ रही है, हमारे तो खराब मौसम में भी सरकार लगी रही और राहुल गांधी आए तो बरसात वगैरह अगर उसमें बंद हो जाए, थम जाए तो अच्छा ही है। ये तो एज अ फॉर्मेलिटी आ रही है। गजेंद्र खींसर कहते हैं कि राहुल गांधी आए हैं तो क्या बरसात रोक देंगे, रोक देते हैं तो अच्छा है। सियासत किसके बयानों में नज़र आती है? श्याम जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। हमने दोनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं को सुना, देखिए सियासत किसके बयानों में थी। देखिए अश्वनी जी, जिस प्रकार का बयान मैं खींसर जी का सुन रहा था, ये मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का तो बोलना अपने आप में सरकार बोल रही है, तो सरकार को नपे तुले शब्दों में बोलना चाहिए। जैसे अभी गृह मंत्री जी बोल रहे थे कमियां थी, कुछ हमने किया, रिवॉल्विंग फंड 10 लाख दिया, लेकिन हमारे प्रदेश में 4 जिलों में स्थिति बनी है। ये यदि पूरे प्रदेश में बनती तो क्या स्थिति होती। हमको 1-1 करोड़ रुपया जो 4 जिले प्रभावित उनको देना चाहिए। आप 10 लाख देकर के कर क्या लोगे? पर डे का खर्चा बहुत अत्यधिक आ रहा है, अगर सही तरीके से आंकलन किया जाए तो वहाँ लोगों को भुखमरी की रोकने की स्थिति के लिए सरकार को खुल करके देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी कह रहे कि हम दे रहे हैं, तो ये सब कमियां जब उजागर होगी। राहुल गांधी ने कहा कि 10 दिन हो गए बाढ़ को, 10 दिन से राहत कार्य सरकार चला रही है, गांव में लोगों के पास फूड पैकेट नहीं पहुंचे, बीमारियों का डर रहता है, दवाइयां नहीं पहुंची, मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी तरह से ठप हो गई है, पशुधन खत्म हो गया, उनसे और बीमारियां फैल रही हैं। इन तमाम बातों पर प्रशासन गौर नहीं कर रहा, बल्कि राजनीतिक आधार पर भेदभाव हो रहा है। मुकेश दाधीच साहब, क्या सच में राजनीतिक आधार पर गाँव को बांटा गया है आपदा राहत में? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता। हर व्यक्ति की सेवा करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। मैं केवल जालौर जिले का चार्ट, अश्विन जी 2 मिनट अगर चौधरी साहब ठीक से सुनेंगे तो मैं इनको बताना चाहूँगा। केवल जालौर जिले का है, जालौर जिले के 447 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए,
उसमें सरकार ने 245 बार हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके लोगों को राहत कार्य जहाँ पर राहत शिविर थे वहाँ पर पहुँचाए हैं। कुल मिलाकर के 16,947 लोग जो संकट की स्थिति में उनको वापस सही ठिकाने में पहुँचाने का काम इस राहत कार्यों के माध्यम से हुआ है और लगभग 50,570 से ऊपर फूड पैकेट विभिन्न जगह पे जहाँ जहाँ आवश्यकता थी ये सरकारी स्तर पे, उसके अलावा एनजीओ के स्तर पे, बाकी लोगों के स्तर पे जो है वो अलग है। तो मैं इस बात को कहते इस समय सारा राजस्थान, भले ही कांग्रेस वहाँ देर से गई, लेकिन सारा राजस्थान की चिंता वहाँ के जो दो तीन जिलों में खास करके जालौर के सांचौर में जो बड़ी प्रॉब्लम थी, व्यक्तिगत रूप से मैं मेरी बात करता हूँ तो पथमेड़ा में गौशाला में जो प्रॉब्लम है मैंने खुद व्यक्तिगत वहाँ प्रयास किया, सरकार के स्तर पर डॉक्टर भेजे सब गए चीज़, लेकिन जब एक बार कहीं पर एक स्थिति ऐसी आती है कि पहले मानव बचाने की आवश्यकता होती है उस पर लगता है। एक सवाल उठा रही है कांग्रेस, एक सवाल उठाया सचिन पायलट पहले दिन से इस पर बात कर रहे हैं जी, प्रधानमंत्री जी जो कि श्याम जी ने कहा 10 किलोमीटर की दूरी थी राजस्थान बॉर्डर और गुजरात बॉर्डर में, क्यों इस दूरी को पार नहीं कर पाए? गुजरात के लिए अगर 500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज है तो राजस्थान के लिए वो पैकेज क्यों नहीं है? क्योंकि आपदा लगा बराबर है, गुजरात का भी लगभग उतना ही क्षेत्रफल इस बाढ़ से प्रभावित हुआ, क्या नज़रिया है? ये राजनीतिक फ़र्क है कहीं पर? नहीं नहीं, मैं समझता हूँ उस समय हो सकता है कि पीएम साहब की उस समय के जो भी प्रोग्राम बना होगा उसमें क्या व्यस्तता रही या क्या सिचुएशन रही होगी, लेकिन मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर टॉकिंग जारी है और निश्चित रूप से इसमें जो भी मदद केंद्र सरकार की से होनी है वो निश्चित होगी, इसमें कोई दोराय नहीं है। वहाँ तत्काल हुई है, वहाँ तत्काल 500 करोड़ रुपए हुए। मैं क्या राष्ट्रपति की शपथ हुई थी, दोनों मुख्यमंत्री मौजूद थे, अगर चाहते तो दोनों मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर और प्लेन में बिठाते और दिया थे साथ में, गुजरात भी था राजस्थान भी था, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हो पाया, ये तो एक कमी रही और ये कमी स्वीकार करेंगे मुकेश जी? नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं करता, उनकी कोई पर्सनल व्यस्तता भी हो सकती है उस समय, क्या अलग मैं इस बात को ये कहता हूँ कि एक तो होता है कि कोई मनसा ही खराब नहीं, हमको राजस्थानी ऐसा मन नहीं है प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उनके लिए राजस्थान और गुजरात के लोग बराबर हैं और उस दृष्टि से आप निश्चित रूप से मानिए जो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे बात की है, लगातार केंद्र के संपर्क में है और लगातार खुद मुख्यमंत्री जी इस बात को मॉनिटरिंग कर रही है, तो निश्चित रूप से राहत कार्यों में चाहे तेजी की बात हो चाहे सेना की मदद की बात हो, और जैसा आदरणीय कटारिया साहब ने कहा, मैं श्याम जी ऐसा बताऊँ, 10 लाख रुपये जो दिए हैं वो उन्होंने उन मकानों में जिनमें पानी भर गया उनके लिए उनके इनके लिए है अलग से फंडिंग, पहले से रुपए पर परिवार देने की बात हुई है, पहले से कलेक्टर के पास फंडिंग होती है। रिवॉल्विंग फंड किसे कहते हैं आपको मालूम है? किसी तत्काल खर्चे के लिए देते हैं सर, वो अलग से भेजा है सरकार ने। चलिए मैं आरसी चौधरी साहब के पास आ रहा हूँ। आरसी चौधरी साहब, आपकी पार्टी गुजरात की तर्ज पर राहत पैकेज की मांग कर रही है, क्या लगता है उसी से राहत मिल पाएगी? मैं भी उम्मीद करता हूँ, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो एजेंडा यहाँ पे जो बताया और रिलीफ उन्होंने जो जो बांटा वो पूरा बखान किया, अब मैं भी थोड़ी सी कुछ बात करना चाहता हूँ, शायद वो सुन पाएंगे। सबसे पहले तो 2015 के अंदर राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आए थे, ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई, इन जिलों के अंदर पहले भी ये घटनाएं होती रही है और पहले भी इस तरह की जो आपदाएं आती रही है। तब 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान को विशेष राहत पैकेज दे और हमने इस तरह की कुछ योजनाएं बनाई है, उनके साथ में बातचीत की और बातचीत करके उन्होंने ये वादा किया था और भरोसा दिलाया था कि निश्चित रूप से हम राजस्थान के आगे चल के आएंगे। एक चीज, जब भी कभी मौसम, जब ये बारिश का जो मानसून का जो मौसम होता है उससे पहले मुख्य सचिव के स्तर पर एक समीक्षा बैठक होती है जिला कलेक्टर्स के लिए, जहाँ पे फ्लड की संभावनाएं रहती है पूरे इन चीजों की होती है, मुख्य सचिव के स्तर पर मीटिंग होती है, वो नहीं हुई और एक SDM को उसके अंदर जाके और अपनी जान गंवानी पड़ी, संवेदनशीलता थी नहीं। यहाँ पे जो बाढ़ आई वो एक अचानक कोई बादल के फटने से नहीं आ गई, यहाँ पे जो 3 डैम है, डैम टूट गए, बांध टूट जाने से बाढ़ आई है, वहां पे सरकार की अगर वहां पे मरम्मत का और उस देखरेख का कार्य सुचारू रूप से होता तो शायद इस राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी जनहानि और पशुओं की जीव जंतुओं की जान नहीं जाती। 2-3 चीजें। चौथा, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात से अपने आप को अलग नहीं कर पाए और देश को समझते नहीं कि देश का हूं या मैं गुजरात का हूं, लेकिन बड़पन है उनका कि गुजरात को उन्होंने अपना माना और सीधे दिल्ली से गुजरात पहुंचे और अपने मुख्यमंत्री को साथ लेके और बिना डिमांड किए हुए उन्होंने 500 करोड़ रुपए गुजरात की सरकार को अंतरिम रिलीफ के तौर पे उन्होंने दिए। उन्हीं की सरकार आसाम के अंदर है, उन्हीं की सरकार राजस्थान के अंदर है, आसाम की सरकार ने उससे पहले उनसे मुआवजा मांगा, आज तक नहीं दिया, राजस्थान की सरकार ने नहीं मांगा।
कोई बात नहीं, हमें इस चीज का दुख है कि देश का प्रधानमंत्री मुकेश जी का करीब करीब और इस बात की पुष्टि श्याम जी ने भी की, करीब 1,000 करोड़ के आसपास का मेमोरेंडम नहीं अभी जो दिया है वो बाद में दिया है, लेकिन जब जब गुजरात का दौरा किया था तब असम की सरकार ने तो दे दिया था, असम की सरकार ने उस टाइम मेमोरेंडम दे दिया था, उसमें नहीं दिया उन्होंने, गुजरात ही सिर्फ गुजरात में दिया और वो बिना मांगे दिया, एंट्री रिलीफ के तौर पर दिया, कोई कुछ नहीं किया। तो हमें दुख होता है कि राजस्थान के हक के लिए अगर कांग्रेस को कहीं पे भी अगर करना पड़े तो हम उस बात को आवाज उठाएंगे और इस राजस्थान के लोगों के साथ में भेदभाव नहीं। मुकेश जी कन्विंस नहीं आपकी दलील से? हाँ जी मुकेश जी कन्विंस नहीं। मुकेश जी उसके बाद में बोल दें, मैंने तो पूरी जो मुद्दे के साथ में बोल रहा हूँ उनकी पूरी बता दें। मुद्दे मैं हो समर्थित हो सकता है, अगर ये समर्थित होते, मेरी बात से समर्थित होते, अगर मेरी बात को ध्यान में लेते तो उन लोगों को रिलीफ मिल जाती। वो लोग इन मुकेश जी को भी सुन रहे हैं, अगर उनको रिलीफ मिली है और मुकेश जी ने किया तो मेरे बोलने से क्या होगा? अगर वो लोग सरकार से खुश हैं तो मेरे बोलने से क्या होगा? अल्टीमेटली हम उनके लिए बात कर रहे हैं जिनको जिनको दुख है, जो कष्ट की घड़ी में उनके लिए है ना ये बात। तो वो गौ की बात करते हैं और पथमेड़ा की गौशाला के अंदर 1200 गायें मर जाती हैं, 6000 मवेशी आज तक मर गए, वहां पे संक्रमण फैल रहा है, 60,000 से ज्यादा गाय बकरी भेड़ ये पशु सब बह गए उसके बाढ़ के अंदर। आज भी 15-12 दिन के बाद में राज्य केंद्र की सरकार 1 रुपया नहीं देती है, इसका मतलब क्या होता है? इन्होंने कहा कि आज तक हमने 12 दिन के अंदर 50,570 पैकेट बांटे, इन्होंने कहा 50,570 चार जिलों के अंदर 50,570 फूड के पैकेट। कितने मैं एक जालौर की कह रहा हूं, एक जालौर जिले के लिए कह रहा हूं कि जालौर की जनसंख्या कितनी है, जालौर के कितने 1300 गांव हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। अब आप बोल देना, आप बोल देना, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, आपने बोला हमने सुना, हाथ जोड़ के गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, उस जनता के लिए आप हाथ जोड़ रहे हैं, हम उस जनता के लिए आप हाथ जोड़ रहे हैं, आप सुन ले, आप सुन ले, आप इस निंदा को सुन ले, हम उस जनता के लिए आप हाथ जोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने हम कांग्रेस उस जनता के लिए हाथ जोड़ रही है, उस जनता के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, वहां पे हमने कथन बांटे, वहां पे सचिन पायलट बेफर्ज से लेके आज तक लगे हुए हैं, इनके जो प्रभारी मंत्री जो लगे हुए हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं वो आज हनुमानगढ़ में बैठे हैं, राजेंद्र राठौर जी क्या जाओ आज राहुल गांधी जी वहां पे पहुंच रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो बेहतर होता उन लोगों के बीच में पहुंचे और ये कहते कि इन लोगों के बीच में हमने ये पहुंचाई थी, आज वो अपने अलीशान बंगले में हनुमानगढ़ में आराम फरमा रहे हैं और इस प्रकार ओछी बयानबाजी करके राष्ट्रीय नेतृत्व पे आरोप लगा के अपने आप क्या करना चाहते हैं? बनासकांठा में राहुल गांधी काले ध्वज दिखा रहे हो आप, जो लोगों के बीच बजाने से रोक रहे हो आप, हम काले ध्वजों से डरने वाले नहीं है, इस जनता को आपकी ललकार से जनता की पीड़ा के बीच में रहने वाले, अपने एमएलओ की चिंता कर रहा, आपको कहां बाढ़ की चिंता? आप देखिए देखिए इनकी बोकरा की बता रही है, इनकी बोकरा मैंने हाथ जोड़ के पहले भी कहा था, इस चैनल पे मैंने कहा था कि शायद मुकेश जी सुनेंगे, हमने मुकेश जी की बात को सुना, मुकेश जी की बात को हमने सुना, लेकिन मुकेश जी की बोकरा की बता रही है, भारतीय जनता पार्टी की बोकरा की बता रही है कि अगर ये आप बताइए कांग्रेस ने कितना राज पैकेट बांटे, बताइए ना, माननीय मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के अंदर चिप्स खाते हैं, पूछना चाहता हूं जनता के बड़े दलील से टूरिस्ट घूम के आए हो, जैसे कोई टूरिस्ट घूम के आए हो, वो जाति देश गांव में सर मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस इस प्रदेश की जनता की जमीनी हालात किसने देखे, सवाल मेरा ये था, और इन हालात में गुजरात की तर्ज पर राहत पैकेज क्या राजस्थान के लिए रिलीफ ला सकता है? मैं ब्रेक के बाद एनएम शर्मा साहब आपके पास में आना चाहूंगा, वक्त हो गया है, लेते हैं ब्रेक, लौटेंगे और कृषि की बात करना चाहेंगे, खेती पर किसी ने बात नहीं की, बड़ा नुकसान हुआ है, आकलन की बात की जा रही है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 9 लाख हेक्टेयर और जानकारों के मुताबिक करीब 12 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी कयास लगा रहे हैं और दौरे कर रहे हैं, इससे कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो अपना अस्तित्व बचाने में जुटी हुई है, राहुल गांधी अगर वहाँ जाकर अगर ये सोचते हैं कि हमारा हम आगामी चुनाव में सत्ता में आएंगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ी भूल होगी। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा जो दोगरा किया जा रहा है वो नैतिकता के आधार पर किया जा रहा है, संकट मोचन होना नहीं होना ये जनता पर निर्भर करता है, सरकार अपने तरीके से कार्रवाई करती है राहत पहुंचाने के लिए, मगर अपोजिशन नेचुरली नज़र रखने के लिए दौरे करता है और राहुल गांधी भी उस चीज़ का फायदा लेंगे, जनता के बीच में जाएंगे तो ये एक मैसेज जाएगा कि हाँ उनकी जो आपात स्थिति में अपोजिशन उनके साथ था, कांग्रेस उनके साथ थी। जितनी मदद हम कर सकते हम कर रहे हैं, थोड़ी सी कमी की सरकार की तो है, कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। धन्यवाद।